हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। जैसा कि मैंने कहा था कि चैप्टर कंप्लीट होते ही पूरे चैप्टर की प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आपकी कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे पता चली है, सो वो प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर ऑफ फैक्टर कैलकुलस। चलिए पहले हम एक्सरसाइज 1.1 लेते हैं। 1.1 में क्वेश्चन है 12th, ट्रू दैट ए माइनस बी डॉट बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो आएगा। सबसे पहले हम ये जो आपके पास दे रखा है बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे आप मल्टीप्लाई ओपन करते हो वैसे ही करते हैं। बस हमें क्या करना है, क्रॉस अप्लाई करना है। जैसे बी क्रॉस सी, प्लेस चेंज नहीं करना, हम क्रॉस कर रहे हैं ना, ये प्लस ये माइनस माइनस बी क्रॉस ए, इसको ए क्रॉस बी नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान देना है। क्रॉस में C क्रॉस C सेम वेक्टर एंड माइनस और माइनस इज अ प्लस C क्रॉस A, क्लियर। सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है, सो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। यहाँ से आएगा B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A, ठीक है। अगर इसको आप लिखना चाहो B क्रॉस C, अगर मैं इसको A क्रॉस B करती हूँ सो माइनस अप्लाई होगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस A क्रॉस B प्लस C क्रॉस A। चलिए अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, पुट करते हैं यहाँ पे A माइनस B डॉट B माइनस C क्रॉस C माइनस A इज इक्वल टू, मुझे वैल्यू चाहिए, राइट हैंड साइड पे प्रूव करेंगे हम। ए माइनस बी एज इट इज़, जो हमने इसके सॉल्यूशन किया है यानी ये कैलकुलेशन यहाँ पुट करेंगे हम। बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए, ओके। ओपनिंग करते हैं, सबके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है आपको। ऑपरेशन क्या है, डॉट। सो ए वेक्टर बी क्रॉस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेगा, सो यहाँ पे आएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। पहले मैं ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेती हूँ, ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए माइनस, अब माइनस चलेगा क्योंकि बी हमारा नेगेटिव है ना, बी डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी डॉट ए क्रॉस बी माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है, ये आ जाता है। अभी हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये क्या बनेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए ए बी प्लस ए सी ए माइनस बी बी सी एंड दिस माइनस बी ए बी माइनस लास्ट है बी सी ए, ओके। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम आते हैं तो वैल्यू ज़ीरो देता है, ये ज़ीरो टर्म यहाँ पे, ये सेम जी भी ज़ीरो, ये टर्म भी ज़ीरो और ये टर्म भी ज़ीरो। हमारे पास वैल्यू क्या आई, दिस इज इक्वल टू, ये फैक्टर लिख रहे हैं हम लास्ट में, ए बी सी एंड ये टर्म ज़ीरो हो चुकी है, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, यहाँ से आएगा माइनस बी सी ए, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है, सो इसको हम लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी माइनस ए बी सी, ओके। और दोनों सेम टर्म है, नेगेटिव पॉजिटिव, सो क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो कैंसिल आउट, इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, इक्वल टू हमें ज़ीरो के इक्वल पुट करना था, सॉरी शो करना था, वो हमने यहाँ से कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फर्स्ट एक्सरसाइज की, क्वेश्चन नंबर 20th, एक्सप्रेस बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए क्रॉस बी इन द टर्म ऑफ ए बी सी, ऐसा कुछ एग्जांपल भी हमने किया था। सो देखिए कैसे करोगे इसको, बी क्रॉस सी को सबसे पहले हम लेके चलते हैं, एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी, हमने यहाँ पे लिया बी क्रॉस सी को, मैंने इस तरह से लिखा एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी, ए बी सी यहाँ पे वेक्टर है और एल एम एन आर कॉन्स्टेंट, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अगर मुझे एल एम और एन की वैल्यू मिल जाती है सो मैंने बी क्रॉस सी को ए बी सी की टर्म में लिख दिया है ना, अब मुझे चाहिए वैल्यू एल की एम की और एन की, कैसे निकालेंगे। अगर मुझे एल की वैल्यू चाहिए तो इसके अंदर अगर मैं इन दोनों टर्म्स को जीरो बना पाऊँ तो मैं एल की वैल्यू निकाल सकती हूँ इजीली। ज़ीरो कब बनेंगे,
जब हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे, अगर बी हमारे पास है ना, अगर बी क्रॉस सी या बी क्रॉस ए हमें यहाँ से मिल जाता है, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस ए मीन्स कलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए बी बी सी ज़ीरो रहेगा, बी बी ए ये भी ज़ीरो रहेगा, है ना। सो ये कब होगा, बी डॉट बी क्रॉस ए एंड दिस इज़, या फिर ए क्रॉस, अगर आप ऐसे करते हो ए क्रॉस बी तो भी तो ज़ीरो ही आएगा ना, बी ए बी हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे मुझे इसको ज़ीरो बनाना है। अगर मैं इस ये टर्म मल्टीप्लाई करती हूँ मीन्स बी डॉट बी क्रॉस सी, अगर बी डॉट बी क्रॉस सी आ जाता है ये ज़ीरो हो गया, लेकिन मुझे इसको भी ज़ीरो बनाना है, मुझे वैल्यू चाहिए एल की। अगर मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए लेती हूँ सो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, बट मुझे ज़ीरो बनाना है बी और सी को, इसलिए मुझे इसी टर्म से यानी कि बी क्रॉस सी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। ये चीज़ ध्यान देना, मल्टीप्लाइंग स्केलरली ये भी बहुत ज़रूरी है। भाई देखिए इक्वेशन फर्स्ट बाय बी क्रॉस सी स्केलरली क्यों, क्योंकि अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे बी क्रॉस सी सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो जाता है ना। सो हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना ताकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम यहाँ पे बना सकें, इसलिए तो मुझे यहाँ पे मिलेगा बी डॉट बी क्रॉस सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा। सो यहाँ पे स्केलरली बोल रहे हैं हम, किससे कर रहे हो बी क्रॉस सी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी क्रॉस सी की बी क्रॉस सी के साथ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा एल तो कॉन्स्टेंट हो गया, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस एम कॉन्स्टेंट वैक्टर बी डॉट बी क्रॉस सी एंड वैक्टर सी प्लस एन वैक्टर सी डॉट बी क्रॉस सी। अब हमने बी क्रॉस सी ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे एल की वैल्यू निकालनी है और मुझे इन दोनों टर्म्स को जीरो बनाना है। ये दोनों टर्म जीरो जब बनेंगे, जब दो वैक्टर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सेम आ जाएंगे, तो यहाँ पे बी और बी सेम आ रहा है, है ना। इसको आप क्या लिखेंगे, एल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस एम इंटू बी बी सी और प्लस एन इंटू सी बी सी, दोनों टर्म्स ज़ीरो। यहाँ से मैं एल की वैल्यू निकाल सकती हूँ, एल इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे है बी क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस सी, डिवाइड कर देंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी से, एल की वैल्यू आ जाती है मेरे पास। इसी तरह से मुझे एम की वैल्यू चाहिए, एम की वैल्यू चाहिए तो मुझे एल फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को जीरो बनाना है, यानी मैं किस किस के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट करूं किस टर्म के साथ। सो अगर मुझे इसको जीरो चाहिए तो मुझे चाहिए ए वेक्टर डबल हो जाना चाहिए, है ना, और बी मुझे लेना नहीं है तो सी क्रॉस ए के साथ इसको जो वो डॉट प्रोडक्ट करेंगे। मैं बता देती हूँ ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, चलिए मल्टीप्लाइंग स्केलरली इक्वेशन फर्स्ट बाय सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए से करोगे बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू एल ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस एम बी डॉट सी क्रॉस ए प्लस एन सी डॉट सी क्रॉस ए। यहाँ से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए सी ए ज़ीरो, यहाँ से सी सी ए ये भी जीरो, वैल्यू क्या बचेगी बी सी ए, साइक्लिक ऑर्डर में है बी के बाद सी, सी के बाद ए। सो इसको आप लिख सकते हो एम की वैल्यू आ जाएगी बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर है इसलिए आप इसको ए बी सी लिख सकते हो। इसी तरह से आप एन की वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देती हूँ ए क्रॉस बी के साथ तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी। ओके सो यहाँ से आ जाएगा बी क्रॉस सी, किसको किसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया है आपने ए क्रॉस बी के साथ, और डिवाइड में आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। सो तीनों वैल्यूज़ एल एम और एन की वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से बी क्रॉस सी इज इक्वल टू एल की वैल्यू पुट कीजिए भाई, एल इज दिस बी क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस सी ए बी सी और यहाँ पे वेक्टर है ए, एल इंटू ए है ना, प्लस एम की वैल्यू पुट करेंगे एम इज दिस
बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनटू वेक्टर बी। फिर एन की वैल्यू पुट करते हैं, बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस बी, और ये आ जाएगा ए बी सी डिवाइड इनटू वेक्टर सी। अब आप देख सकते हो कि बी क्रॉस सी के हमने ए बी और सी की टर्म में लिख दिया है। सो इसी तरह से आपको सी क्रॉस ए लेके चलना है, अंडरस्टैंड। ऐसे ही आप लेके चलेंगे कि सी क्रॉस ए इज इक्वल टू एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी। इसको फिर से आप एज इट इज तरीके से, मुझे एल की वैल्यू चाहिए सो मैं इसको बी क्रॉस सी से मल्टीप्लाई करूँगी, फर्स्ट टाइम बी क्रॉस सी से, फिर सेकेंड टाइम मुझे बी की वैल्यू चाहिए, एज इट इज तरीके से आपको करना है, एल एम एन की वैल्यू निकालनी है, पुट करना है। लास्ट में फिर आएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को भी आप ऐसे ही लेके चलेंगे, एम बी प्लस एम सी। सो एक निकाल दीजिए, बाकी आप सिमिलरली यानी कि साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, आप सिमिलरली लिख के भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। 1.1 क्वेश्चन 21, द वैक्टर ओ पी दे रखा है आपको, टर्न्स थ्रू एन एंगल पाई बाय टू अबाउट ओ पासिंग थ्रू द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस ऑन इट्स वे, फाइंड द वैक्टर इन न्यू पोजिशन। मीन्स हमारे पास जो वैक्टर दे रखा है ओ पी पोजिशन कुछ इस तरह से है, और ये जो है टर्न कर रहा है पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड होती है वाई की, इसको टर्न कर रहा है, और ये इसके पाई बाय टू एंगल यानी इस पोजिशन में पहुँच जाता है जब ये लाइन इसको पाई बाय टू एंगल पर मीट करेगी ऐसे, ओके। सो हमें इस लाइन की जो ओपी का हमें यहाँ से निकालने हैं, नई जो न्यू पोजीशन यानी कि ओपी जो रोटेट होके इधर आएगा, तो हमें इस लाइन की जो न्यू वेक्टर इन द न्यू पोजीशन मीन्स हमें ये चाहिए, इसको मैं क्यू पॉइंट ले लेती हूँ। सो मुझे यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू चाहिए, ओपी कितना दे रखा है आपको, 5i प्लस 2j प्लस 13k, एंड ओ क्यू मैं यहाँ से ले लेती हूँ, लेट ओ क्यू इज अ पोजिशन वैक्टर ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो हमारे पास वैक्टर था ओ पी रोटेट हो गए, ओ क्यू में चेंज हो गई पोजिशन, और नई पोजिशन पे इसके की जो वैल्यू क्या आएगी यानी कि इसके जो पोजिशन वैक्टर है वो क्या आएगा, ओके। तो सबसे पहले देखिए कि ओ पी ही रोटेट हो रहा है, ओ क्यू की पोजिशन पर आया है, सो इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, इज इक्वल टू ओ क्यू। इट मीन्स यहाँ से अगर आप मैग्नीट्यूड सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट दोनों साइड होगा इसलिए हम स्टार्टिंग में कैंसिल कर रहे हैं, एंड यहाँ से फाइव स्क्वायर प्लस फोर टू स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, ओके। सो यहाँ से जो इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 338, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। इसके बाद हमें बाकी क्वेश्चंस कैसे निकालनी है एक्स वाई जेड में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे, सो ओ पी वैक्टर जे एंड वैक्टर ओ क्यू आर लाई इन द सेम प्लेन, दैट मीन्स हम कह सकते हैं नाउ वैक्टर ओ पी जे एंड ओ क्यू आर कोप्लानर, कोप्लानर होंगे। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ओ पी जे और ओ क्यू क्या होगी, ज़ीरो, ठीक है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हो, डिटर्मिनेंट फॉर्म से। ओ पी का पोजिशन वैक्टर देखिए 5, 2, 13, जे इसमें आई है ही नहीं, 0, 1, 0, एंड ओ क्यू इज द एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन आएगी 5z माइनस 13x इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। एंड एक और यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हो क्या, कि ओ पी वैक्टर परपेंडिकुलर है ओ क्यू के, है ना। सो यहाँ से देखिए ओ पी परपेंडिकुलर टू ओ क्यू इम्प्लाइज दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ओ पी विद ओ क्यू इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट किसकी करनी है हमें, 5i प्लस 2j प्लस 13k, डॉट प्रोडक्ट ओ क्यू, ओ क्यू हमने क्या ले रखा है वैक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू 0। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करते हैं भाई, 5x प्लस 2y प्लस 13z इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी।
ओके अब हमारे पास तीन इक्वेशन है और तीनों से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए. वेरी सिंपल, यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं. जेड इज इक्वल टू 13/5x. ठीक है, ये जेड की वैल्यू आप उठाइए, यहाँ पुट कीजिए. 5x + 2y + 13 × 13/5. जेड की वैल्यू रखा है ना, इक्वल टू एक्स. यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकाल लेती हूँ एक्स में, और वाई की वैल्यू जो आएगी एक्स में, ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप सॉल्व करेंगे इसको, −97/30 × x. वाई की वैल्यू भी एक्स में आ रही है, जेड की वैल्यू भी एक्स में आ रही है. इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में. ओके, यहाँ से कंप्लीट इक्वेशन एक्स में आ जाएगी, क्योंकि वाई की वैल्यू हम एक्स में पुट करेंगे. यहाँ पे वाई के प्लेस पे, वाई के प्लेस पे रखेंगे −97/30x, ये टर्म यहाँ पुट करेंगे आप. जेड के प्लेस पे रखोगे 13/5x, ये टर्म आप यहाँ पुट करेंगे. एक्स में कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आएगी, फिर आप पुट करते जाइए वाई और जेड में, वाई और जेड की वैल्यू आएगी. तीनों वैल्यूज़ को ओ क्यू में पुट करेंगे, सो लास्ट में आपको फाइनली ओ क्यू का पोजिशन वैक्टर यहाँ से मिल जाएगा. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 7th, शो दैट आई क्रॉस ए क्रॉस आई, जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के इक्वल टू 2a आना चाहिए. आई जे के जो यूनिट वैक्टर्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ओके, सो यहाँ से आप देखिए कि ए वैक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट हो रखा है. सो यहाँ से एक वैक्टर लेके चलेंगे, लेट पोजिशन वैक्टर ले लेते हैं ए का, ए वन आई ए टू जे प्लस ए थ्री के. सबसे पहले हम एक टर्म सॉल्व कर लेते हैं, आई क्रॉस ए क्रॉस आई, वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए भाई. आई डॉट आई फर्स्ट और थर्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट है ना, इनटू वेक्टर ए प्लस आई डॉट ए इनटू वेक्टर आई. ध्यान से देखिएगा, हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है. ओके, यहाँ से सॉल्व करते हैं, आई डॉट आई क्या बनेगा, इज अ वन, आई डॉट आई वन, यहाँ से ए वेक्टर प्लस आई डॉट ए, ए वेक्टर ए वन आई ए टू जे ए थ्री के. अगर मैं यहाँ से वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करती हूँ, ए इज इक्वल टू ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, इसको मैंने डॉट प्रोडक्ट किया विद आई, इधर भी करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट, आई और आई यानी आप सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए वन आई डॉट आई प्लस ए टू जे डॉट आई प्लस ए थ्री के डॉट आई. आई डॉट आई इज वन, ए टू जे डॉट के ज़ीरो. क्यों होते हैं जे डॉट के ज़ीरो, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होते हैं अलॉन्ग एक्स वाई जेड जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होता है ना, ए थ्री इंटू ज़ीरो. सो यहाँ से वैल्यू आई ए वन, किसकी, आई डॉट ए की. चलिए भाई पुट करते हैं, आई डॉट ए इज ए वन इंटू आई वेक्टर. ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं, जे क्रॉस ए क्रॉस जे, जे डॉट जे फर्स्ट एंड लास्ट सेकेंड मल्टीप्लाई प्लस जे डॉट ए इंटू वैक्टर जे. यहाँ से जे डॉट जे इज अ वन, ए वैक्टर रहेगा प्लस, जैसे हमने जे डॉट आई किया था ऐसे जे डॉट ए करेंगे, सो यहाँ से आएगा ए टू और बाहर वैक्टर है यहाँ पे जे वैक्टर. एंड थर्ड इज के क्रॉस ए क्रॉस के, हमने एक मिस्टेक कर दिया भाई, यहाँ पे आएगा माइनस, प्लस नहीं आएगा, माइनस आता है ना, के क्रॉस के सॉरी के डॉट के इनटू वेक्टर ए माइनस के डॉट ए इनटू वेक्टर के. के डॉट के इज अ वन, यहाँ से वेक्टर रहेगा ए माइनस के डॉट ए, क्या आएगा यहाँ से आप निकालेंगे वेक्टर के साथ डॉट करोगे, सो ए वन और ए टू ये दोनों टर्म जीरो, क्योंकि आई डॉट के जे डॉट के ज़ीरो, के डॉट के वन आएगा, सो यहाँ से आ जाएगा ये दोनों माइनस की टर्म से, माइनस माइनस ए थ्री के. ठीक है, ठीक कर लेना, माइनस आता है फॉर्मूले में. अब हमें क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, ऐड करेंगे हम, इधर भी तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे, सो यहाँ से आएगा आई डॉट
आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए, थ्री ए। माइनस कॉमन ले लें, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, क्योंकि तीनों टर्म्स का मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। और ये वैल्यू किसके लेके चले हम, वेक्टर ए की, ठीक है। सो दिस बिकम्स थ्री ए माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू टू ए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें टू ए ही प्रूव करना था। देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेवेंथ क्वेश्चन जो अभी हमने किया वो भी इंपॉर्टेंट है। इफ पी क्यू आर डिनोट द वेक्टर्स बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी रिस्पेक्टिवली, मीन्स पी की वैल्यू आपको दे रखी है बी क्रॉस सी, क्यू दे रखा है सी क्रॉस ए, एंड आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, देन शो दैट ए इज पैरेलल टू क्यू क्रॉस आर, बी पैरेलल टू आर क्रॉस बी, सी पैरेलल टू पी क्रॉस क्यू। देखिए यहाँ पे अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, सो रिजल्ट क्या होता है, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो होती है। जैसे आप ए डॉट बी ज़ीरो लेते हो, मीनिंग होता है कि ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, है ना। सो पैरेललिटी के लिए, पैरेलल के लिए हम क्या लेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो। चलिए अभी हमें शो करना है कि ए पैरेलल है क्यू क्रॉस आर के, तो सबसे पहले मेरे पास क्यू क्रॉस आर की वैल्यू होनी चाहिए, तो हम सॉल्व करेंगे क्यू क्रॉस आर, क्यू की वैल्यू है सी क्रॉस ए, क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ यानी कि ए क्रॉस बी, ठीक है। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, क्योंकि हम एक्सरसाइज सेकंड पे हैं, जो वेक्टर प्रोडक्ट है चार वेक्टर्स की वो हम इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं ना। सो यहाँ पे आप इसको एक वेक्टर लेके चलेंगे एंड सेकंड एंड थर्ड वेक्टर, दिस इज़ अ फर्स्ट वेक्टर सेकंड एंड दिस इज थर्ड वेक्टर। सो हमें वेक्टर प्रोडक्ट करना है तीन वेक्टर्स का। फॉर्मूला क्या था भाई, फर्स्ट इंटू थर्ड यानी कि सी क्रॉस ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सेकंड माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड और मल्टीप्लाई बाय थर्ड, ये हमारे पास फॉर्मूला था। सी क्रॉस ए डॉट बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी ए बी इंटू ए माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी ए ए इंटू बी, क्योंकि दो वेक्टर सेम है, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये टर्म खत्म। सो यहाँ पे आएगा सी ए बी ए वैल्यू क्यू क्रॉस आर की। मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट जो वेक्टर ए है पैरेलल होना चाहिए क्यू क्रॉस आर के, ये मुझे यहाँ पे प्रूव करना है। दैट इज वेक्टर ए क्रॉस क्यू क्रॉस आर, दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आनी चाहिए, है ना। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस क्यू क्रॉस आर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। दिस इज ए क्रॉस वेक्टर क्यू की वैल्यू पुट कर ले, सॉरी क्यू क्रॉस आर की, क्यू क्रॉस आर की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं यहाँ पे, सी ए बी इंटू वैक्टर ए, इसको आप लिखोगे क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, है ना, कोई एनी कॉन्स्टेंट टर्म आएगी है, जैसे आप इसको सॉल्व करते हो कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म देगा। सो इसको मैं लिख सकती हूँ सी ए बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, इसको हम जो है सबसे पहले लिख सकते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ओके। और ए क्रॉस ए क्या होता है, सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट इज ज़ीरो, ठीक है। तो हमने यहाँ से प्रूव किया ए क्रॉस क्यू क्रॉस आर इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर क्यू क्रॉस आर। इसी तरह से हम प्रूव करेंगे वेक्टर बी जो है पैरेलल होगा, इफ़ वेक्टर बी पैरेलल टू आर क्रॉस पी, सो यहाँ से आना चाहिए बी क्रॉस आर क्रॉस पी इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स आपको सबसे पहले आर क्रॉस पी की वैल्यू चाहिएगी। आर की वैल्यू आपको पता है, जैसे हमने यहाँ पे क्यू क्रॉस आर की वैल्यू निकाली है, आप ऐसे आर क्रॉस पी निकालेंगे, ऐसे ही पी क्रॉस क्यू निकालेंगे, ठीक है। आर क्रॉस पी मीन्स ए क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस सी, क्लियर।
आर क्रॉस पी निकालिए, यहाँ पे बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। इसी तरह से आप प्रूव करेंगे सी पैरेलल होगा पी क्रॉस क्यू वेक्टर के। ओके, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन सेकंड, इफ ए एंड बी लाइज इन द प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग सी एंड डी। थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें। ए एंड बी जो प्लेन में, जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं वो प्लेन परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में सी और डी लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लेती हूँ, वेक्टर ए एंड बी लाई इन प्लेन अल्फा, एंड वेक्टर बी एंड सी लाई इन प्लेन बीटा। अगर इनका प्लेन अल्फा है और इनका प्लेन बीटा है, तो हमें ये दे रखा है, इट इज़ गिवन कि प्लेन अल्फा परपेंडिकुलर टू प्लेन बीटा। अल्फा ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं वो प्लेन परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में बी और सी लाई करते हैं। सो आपको बताना है कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इक्वल टू ज़ीरो। बिल्कुल एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। हमने एक प्लेन लिया जिसमें हमारे पास वेक्टर हैं ए एंड बी वेक्टर। सेकंड जो प्लेन लेना है आपको, मान लीजिए कि ये अल्फा प्लेन है। ओके, सो अल्फा प्लेन बीटा के परपेंडिकुलर प्लेन है, कुछ इस तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर रहेगा सेकंड प्लेन। ओके, दिस इज द बीटा प्लेन। इसमें जो वेक्टर होंगे, वेक्टर है इसके अंदर बी सॉरी सी एंड, इसमें हमने लिया ए एंड बी, और ये है सी एंड डी। यहाँ पे मैंने बी और सी नहीं लेना है, सी एंड डी। ओके, सो यहाँ पे हम लेके चलेंगे भाई सी और वेक्टर डी, ये ले लेते हैं हम कि वेक्टर सी एंड डी हमारे पास इस प्लेन में, और दोनों प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर। अब आपको एक चीज़ पता है कि ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या होता है। ए क्रॉस बी इज अ परपेंडिकुलर टू प्लेन वेयर लाइज द वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, यानी कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर होगा जिसमें ए और बी वेक्टर लाई करते हैं। ओके, ये हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। एंड सी क्रॉस डी का मतलब वो इस प्लेन पे बीटा प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, क्यों, क्योंकि इसी प्लेन में तो सी और डी लाई कर रहे हैं। सो दिस इज परपेंडिकुलर, ये वैक्टर होगा सी क्रॉस डी। सो आप देख सकते हो ये भी परपेंडिकुलर ही होंगे। ओके, सो यहाँ से हमें बताएंगे, ये चीज़ हमें गिवन है कि प्लेन अल्फा परपेंडिकुलर टू प्लेन बीटा। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच परपेंडिकुलर टू प्लेन अल्फा, एंड सी क्रॉस डी इज अ वेक्टर विच परपेंडिकुलर टू प्लेन बीटा। एंड हम ये कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। ओके, और ये लाइंस इन प्लेन के परपेंडिकुलर, सो इसका मतलब ये दोनों भी परपेंडिकुलर हुए ना। इम्प्लाइज दैट ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर, आप यहाँ पे लिखेंगे इज परपेंडिकुलर वेक्टर सी क्रॉस डी। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं इसका मतलब उनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो आती है, इक्वल टू ज़ीरो, यही आपको प्रूव करना था। चलिए एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट ए क्रॉस एफ क्रॉस बी क्रॉस जी क्रॉस सी प्लस, इसी तरह से हम सेकेंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, ये हमें दिखाना है इक्वल टू ज़ीरो। ध्यान से देखना, इसको मैंने ले लिया P जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और इक्वल टू मैं ज़ीरो एक बार हटा देती हूँ क्योंकि ये हमें प्रूव करना है ना। सो लेफ्ट हैंड साइड को मैं मान लेती हूँ यहाँ से स्मॉल p के इक्वल है हमारे पास कंप्लीट। एक एक टर्म सॉल्व करते हैं, a क्रॉस f क्रॉस b क्रॉस g क्रॉस c, जो फर्स्ट टर्म है एडिशन में, ये टर्म मैंने उठा लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले a क्रॉस जो f क्रॉस b है इसको मैंने कैपिटल F पुट कर दिया, और जो g क्रॉस c है ये मैंने ले लिया कैपिटल G। ओके, सो ये आ जाएगा ए क्रॉस एफ क्रॉस जी। यहाँ पे आप बताएंगे वेयर कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ क्रॉस बी एंड कैपिटल जी इक्वल टू जी क्रॉस सी। ये हम फिर से दोबारा यूज़ करेंगे वैल्यूज़ का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व कैसे करेंगे,
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट जी इंटू एफ माइनस ए डॉट एफ इंटू जी। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए वापस, ए डॉट जी की वैल्यू है जी क्रॉस सी, इंटू चल रहा है वेक्टर एफ, वेक्टर एफ कितना है एफ क्रॉस बी, माइनस ए डॉट एफ, ए डॉट एफ क्रॉस बी, और मल्टीप्लाई है जी के साथ और जी है जी क्रॉस सी, ठीक है। देन दिस इज इक्वल टू जी ए डॉट जी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए जी सी, ठीक है, इनटू एफ क्रॉस बी माइनस ए एफ बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई में है जी क्रॉस सी। ये वैल्यू आ जाती है फर्स्ट टर्म की। इसी तरह से आप सेकंड सॉल्व करेंगे, बी क्रॉस एफ क्रॉस सी क्रॉस जी क्रॉस ए इज इक्वल टू, इसको भी हम ऐसे पुट करेंगे, इसको मैं कैपिटल एफ ले लेती हूँ, क्रॉस इसको ले लेती हूँ कैपिटल जी, जहाँ पे आप बताएंगे कि ये हमने कैपिटल एफ लिया है, ये हमने कैपिटल जी लिया है, क्योंकि हर बार ये अलग अलग वैल्यू है। जो लास्ट टाइम हमने किया था जी क्रॉस सी था कैपिटल जी, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक स्टेप पे आपको बताना पड़ेगा। ओपन करेंगे बी डॉट जी इंटू एफ माइनस बी डॉट एफ इंटू जी, वैल्यू पुट करते हैं बी डॉट जी, जी हमारे पास है जी ए, ये आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी जी ए इंटू एफ की वैल्यू पुट करेंगे, एफ है एफ क्रॉस सी माइनस बी डॉट एफ, वेक्टर बी एफ की वैल्यू है एफ सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, और जी आ जाएगा यहाँ पे जी क्रॉस ए, ये आ जाएगी सेकंड स्टेप की वैल्यू। सेम टू सेम आप नेक्स्ट यानी लास्ट स्टेप सी क्रॉस एफ क्रॉस ए क्रॉस जी क्रॉस बी, यहाँ पे भी आप इसको कैपिटल एफ इसको कैपिटल जी लेके चलेंगे और ओपन करेंगे। अब हमारे पास सी के साथ है, सो सी डॉट जी इंटू वैक्टर एफ माइनस सी डॉट एफ इंटू वैक्टर जी, इसकी वैल्यू पुट करते हैं सी डॉट जी, जी की वैल्यू हमने क्या लिया है जी स्मॉल जी क्रॉस बी, सो सी जी बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एफ की वैल्यू है एफ क्रॉस ए माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी एफ ए, एफ के साथ कर रहे हैं ना, और जी क्रॉस बी मल्टीप्लाई, ओके। इन सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, यानी सभी को हमें ऐड करना है। सो यहाँ से आ जाएगा P इज इक्वल टू, फर्स्ट स्टेप की वैल्यू पुट कर रही हूँ A G C F क्रॉस B माइनस A F B, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है भाई, G क्रॉस C। फिर आती है सेकेंड टर्म, सेकेंड की वैल्यू ये है प्लस B G A F क्रॉस C माइनस B F C जी क्रॉस ए, और फिर आती है थर्ड टर्म प्लस सी जी बी एफ क्रॉस ए माइनस सी एफ ए जी क्रॉस बी, ठीक है। अब ये पी की वैल्यू है हमारे पास, मैं यहाँ से वैल्यू निकालती हूँ पी डॉट ए, यानी इसको मैंने थ्रू आउट ए से डॉट प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। पी डॉट ए करेंगे, ए जी सी ये बनेगा ए डॉट एफ क्रॉस, यानी कि ए डॉट एफ क्रॉस बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए एफ बी माइनस ए एफ बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए जी सी, क्योंकि मैंने इसको ए से डॉट प्रोडक्ट किया है। इस स्टेप से अगर करते हो बी जी ए एफ सी माइनस बी एफ सी ए जी ए, एंड इसके बाद आएगा प्लस सी जी बी एंड ए एफ ए, स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा ये भी सी एफ ए एंड ए जी बी। अब यहाँ से आप देखिए जो फर्स्ट टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म ए एफ बी ए जी सी एज इट इज सेकेंड के है, ये प्लस और ये माइनस, ये टर्म इसके साथ कैंसिल, ओके। बी जी ए एफ सी
बी जी ए, बी बी जी ए कौन सी बनेगी भाई, ये है ना हमारे पास बी जी ए, दिस इज लास्ट वाली टर्म, और ए एफ सी, सी एफ ए, क्योंकि नेक्स्ट है बी जी, ये कैपिटल जी कहाँ से आ गया भाई, कैपिटल जी, ये स्मॉल जी आएगा यहाँ पे, हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू जी, बी जी है जी क्रॉस ए, हाँ जी ये स्मॉल आएगा, इसको ठीक कर लेना भाई, और यहाँ पे भी स्मॉल आएगा, ये जो टर्म आएगी ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये कंप्लीट टर्म ज़ीरो, दिस टर्म कैंसिल, एंड यहाँ पे भी दो वेक्टर सेम आ रहे हैं, सो जीरो इंटू दिस वेक्टर, ये टर्म भी कैंसिल, इक्वल टू आ गया ज़ीरो, यानी मेरे पास यहाँ से वैल्यू आई है पी डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे ही आप निकालेंगे पी डॉट बी, ये भी जीरो आएगा, ऐसे ही आप निकालेंगे पी डॉट सी, ये भी जीरो आएगा। ओके, दैट मीन्स वेक्टर पी के साथ आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो ए बी सी वेक्टर की, और वो वैल्यू दे रहा है ज़ीरो। हेयर द वेक्टर, आप यहाँ पे बताने वाले हैं कि वेक्टर ए बी सी क्या है, वेक्टर ए बी सी आर जो थ्री नॉन कॉप्लैनर वेक्टर, जरूरी नहीं है कि कॉप्लैनर है, दीज आर नॉन कॉप्लैनर वेक्टर, अगर नॉन कॉप्लैनर है सो ये जो कंडीशंस हमने निकाली हैं तभी पॉसिबल हैं जब पी की वैल्यू ज़ीरो आएगी। ओके, दो वेक्टर की आप प्रोडक्ट कर रहे हो और ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब या तो पी जीरो होगा या फिर ए जीरो होगा। ऑलराइट, अब हमने कहा कि ए बी सी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कॉप्लैनर होंगे, नॉन कॉप्लैनर भी हो सकते हैं। सो अगर ये कंडीशन आती है कि ए बी सी नॉन कॉप्लैनर है, सो पी को जीरो होना पड़ेगा, और अगर पी वैल्यू जीरो होती है सो जो पी आपने लिया था स्टार्टिंग में, दिस इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से प्रूव हो जाता है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। इस तरीके से आपको प्रूव करना है। यहाँ से एक रिजल्ट और भी निकल के आता है कि अगर एक वैक्टर, कोई वैक्टर आर है और थ्री नॉन कॉप्लैनर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट उसकी ज़ीरो आ रही है, किसके साथ, थ्री नॉन कॉप्लैनर वेक्टर, नॉन कॉप्लैनर, क्योंकि ये रिजल्ट हमें तभी मिला है जब हमने ए बी सी को नॉन कॉप्लैनर लिया है। ओके, देन रिजल्ट आएगा आर इज नल वेक्टर, नल वेक्टर मतलब आर की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो आएगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नाइन्थ जो आपने प्रॉब्लम में बता रखा है, ये एज इट इज़ मैं आपको एग्जांपल करवा चुकी हूँ, सिर्फ आपको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है वहाँ पे एक वेक्टर को, जिस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये स्टेप आपको सॉल्व करना है, इसको आप पी मान के चलिए सी क्रॉस डी, और इसको आप ओपन करेंगे वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, और आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन टेन देखिए, इफ़ द वैक्टर्स ए बी सी डी आर कॉप्लैनर देन शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब आपको प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी वैक्टर पैरेलल होगा वैक्टर सी क्रॉस डी की, क्योंकि दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आ रखी है। ओके, सो यहाँ से आपको देखते ही पता चल रहा है भाई ए क्रॉस बी का क्या मतलब होता है, ए क्रॉस बी इज डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, मीन्स ए क्रॉस बी उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है जिसमें ए एंड बी वेक्टर लाई करते हैं, एंड सी क्रॉस डी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सी एंड डी, बट हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी आर कॉप्लैनर, मतलब कि सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ओके, ए क्रॉस बी उस प्लेन पे परपेंडिकुलर जिसमें ए क्रॉस बी, सी क्रॉस डी उस प्लेन पे परपेंडिकुलर जिसमें सी और डी है, इसका मतलब ए बी सी डी वैक्टर्स एक ही प्लेन में, इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी बोथ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बी सी एंड डी, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे किस प्लेन पे, जिस प्लेन में ए बी सी डी चारों वैक्टर लाई करेंगे। क्लियर, सो अगर ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ए क्रॉस बी जो पैरेलल होगा सी क्रॉस डी वेक्टर के। क्लियर, दैट मीन्स दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, ज़ीरो, क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर आ गए। ओके, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉब्लम में दे रखा है, शो दैट रेसिप्रोकल वेक्टर ट्रायड्स आर बोथ राइट हैंडेड एंड बोथ लेफ्ट हैंडेड। सबसे पहले इसमें समझ लीजिए दे क्या रखा है, पूछ क्या रखा है, रेसिप्रोकल ट्रायड वेक्टर ट्रायड्स
क्या होते हैं, हमने रेसिप्रोकल वेक्टर्स पढ़े हैं, ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल वेक्टर्स ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। यानी ए डैश इज रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, बी डैश रेसिप्रोकल वेक्टर है वेक्टर बी का, और सी डैश है वेक्टर सी का रेसिप्रोकल। हमें ये बताना है कि लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड होंगे अकॉर्डिंग टू ए बी सी। अब लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड क्या होता है? इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज पॉजिटिव, सो वेक्टर ए बी सी आर कॉल्ड राइट हैंडेड। ओके, एंड इफ वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी की जो नेगेटिव आ जाती है, सो वेक्टर ए बी सी आर कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड। ऑलराइट, अब हमें ये बताना है कि ए डैश बी डैश सी डैश भी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होंगे अकॉर्डिंग टू ए बी सी वेक्टर के। अगर ये लेफ्ट हैंडेड हैं तो इनके रेसिप्रोकल भी लेफ्ट हैंडेड होंगे, और ये राइट हैंडेड दे रखा है तो इसके रेसिप्रोकल भी राइट हैंडेड होंगे। देखिए भाई, हमें ये पता है कि इन दोनों का रिलेशन क्या होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश हमने प्रॉपर्टी की थी, ये होता है 1/ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, सो अगर ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, और ये नेगेटिव है सो ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। ऑलराइट, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश सी डैश, या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही लिख दीजिए, ए डैश बी डैश सी डैश की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ओके, सो रिजल्ट प्रूव हो जाता है। हमें ये तो बताना था कि रेसिप्रोकल वेक्टर ट्रायड जो है वो बोथ राइट हैंडेड और बोथ लेफ्ट हैंडेड होंगे, मींस ये लेफ्ट हैंडेड है तो ए बी सी भी लेफ्ट हैंडेड, और ए डैश बी डैश सी डैश राइट हैंडेड है सो ए बी सी भी राइट हैंडेड होगा। सो ये थी भाई आपकी प्रॉब्लम्स कंप्लीट चैप्टर की। इसके बाद हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे, सेकेंड उसके बाद करेंगे, क्योंकि राम मनोहर लोहिया कॉलेज से जो रिक्वेस्ट आई थी कि मैडम ये पहले करवा दीजिए, सो हम पहले थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम सेकंड करेंगे। सो इसको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।